नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने की वजह से बंद हो गए हैं, जिससे वाहनों का संचालन भी ठप हो गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज कौन कौन सी सड़कें बंद हैं। सबसे पहले बात करें बागेश्वर की, तो बागेश्वर का एक ग्रामीण मार्ग बंद है, वहीं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुला हुआ है। अब नैनीताल की बात करें तो नैनीताल के सभी मार्ग पूर्ण रूप से सुचारू हैं। देहरादून के 7 ग्रामीण मार्ग बंद है, वहीं साथ ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुला हुआ है। अब बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार के सभी मार्ग पूर्ण रूप से सुचारू हैं। टिहरी के 4 ग्रामीण मार्ग बंद है, वहीं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पूरी तरह से खुले हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा के सभी मार्ग खुले हुए हैं। अब बात करें चंपावत जिले की, तो चंपावत के 2 ग्रामीण मार्ग बंद है, वहीं नेशनल और स्टेट हाईवे पूर्ण रूप से सुचारू है। बात करें प्रांतीय खंड रुद्रप्रयाग की, तो उत्तरकाशी से तलवाड़ा को जाने वाला मोटर मार्ग SH-15 कुटमुन पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से बंद हो चुका है। तो ये थी आज की बंद सड़कों को लेकर अपडेट। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार।